Hi everyone, welcome back to Just Conversations with Fahimbi. In this podcast I have with me the OG of the radio. I have with me RJ Raghav. He's an actor as well. And obviously he's a very different content creator and and I think the diversity in these podcasters that are coming up, and I'm, I'm really glad that people like him are giving it a chance to sort of show the kind of uh, his content is totally different, and, and that is what I wanted to majorly talk about for all the content creators out there, how he is different and all, and I'm really glad that you gave us a chance to speak to you. No, thank you so much, Fahim, yar.

डिफरेंस नहीं है बेसिकली रेडियो में हम सो आई वॉज रेडियो थर्टीन इयर्स ऑलमोस्ट विद डिफरेंट डिफरेंट रेडियो स्टेशन विद डिफरेंट डिफरेंट सिटीज तो अलग अलग भाषाएं अलग अलग लोग hmm. अलग अलग व्यवहार के लोग अलग 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 अलग, -अलग प्रकार से बिहेव करने वाले लोग हैंक्चुअली तो जब उनसे मिलते हो तो बहुत सारी चीज़ें एंड कॉन्टेंट तो मैं टू से बना रहा हूँ तो वो, वो बस डिफरेंस uh, ये हो गया कि तब मैं सिर्फ रेडियो के लिए बना रहा था और अब मैं रेडियो तो है ही मतलब आवाज़ तो है ही प्लस वीडियो भी है चेहरा भी दिखाना है सो so जब आ, मैं रायपुर में था और आ, पहली बार यू नो स्टूडियो में कैमरा लगाया गया था और पहला वीडियो जो मेरा वायरल हुआ है मुझे पता है पहला वीडियो जो वायरल हुआ है ऑडियो तो बहुत हुए हैं <laughs> वीडियो जो वायरल हुआ है वो यही था कि आ, मैंने कहा था कि यार शक्ल अच्छी नहीं है इसलिए हम रेडियो में आए थे और तुमने यहाँ भी कैमरा लगा दिया एक बार पूछ तो लेते हमसे तो उस वक्त की बात है बट एनी तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है और मतलब रेडियो टू रील लेकिन जब रील और रियल लाइफ में आते हैं तो एक छोटा सा डिफरेंस ये है कि जब भी मतलब हम नॉर्मली भी ऐसे बैठे हैं तो अभी सुबह की बात है कि ऑफ कोर्स मेरा सलून वाला जो बंदा है वो आसपास ही था और मैं ऐसे ही बैठा था कुछ तो मैं सोच रहा था तो कहता है कि भैया चाय मंगाई क्या मैंने कहा नहीं नहीं अभी तो कुछ और मंगाया मैंने कहा नहीं नहीं और मैं कुछ सोच रहा हूँ लाइक कि नहीं नहीं आप मुस्कुराते नहीं हो तो हमें अच्छा नहीं लगता

रहमान साहब का म्यूजिक सुनता हूँ उदित नारायण साहब को सुनता हूँ हाँ, मतलब बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं सुनता हूँ और मतलब फिर मुझे अच्छा लगने लगता है मैं खुद मौज में आ जाता हूँ थोड़ी देर के बाद मुझे लगता है मैं अपने आप में खुश हूँ मतलब ऐसा कोई प्रेशर नहीं है मेरे ऊपर खुश होने का और अब लोगों का ऐसा लगता है कि, कि लोगों की एक्सपेक्टेशन वही है क्योंकि यूट्यूब पे आप देखोगे ज्यादातर कॉमेंट्स वही हैं कि ये है भारत का सबसे खुश इंसान <laughs> तो मेरे को थोड़ा लगता है और कभी कभी तो वो कॉमेंट तब आ रहा होता है जब मैं अपनी प्रॉब्लम में होता हूँ okay. <laughs> लेकिन हाँ ठीक है क्योंकि लोग लोगों की एक्सपेक्टेशन ही वही है और मैं अब उनका हूं तो हाँ ठीक है चलता है मैं खुश हूं लेकिन आप बैलेंस कैसे करते हो जिंदगी को फ्रॉम वर्क आई मीन ऑब्वियसली बींग रेडियो जॉकी हेक्टिक जॉब एक ही चीज डिफरेंट कॉन्टेक्ट पर सेम प्लेस ड्रिएटिविटी पेडियर्टीमोट लेफ टेट इन टू दैट थोड़ा बोरिंग तो होता होगा या स्केरी भी क्योंकि एक ही जगह बैठना डज इट डू एनी थिंग टूर क्रिएटिविटी नहीं यार आ, उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है. Okay. है आपकी लाइफ में क्या चल रहा है और आप लाइफ को कैसे देख रहे हैं अब आप रेडियो में बहुत ज्यादा नाम हो गया है आपका जैसे मेरा हो गया था और उसके बाद घर से आवाज आ रही है की दूध नहीं लाए तुम बहुत देर होगी दूध लेके आओ और आप सोच रहे हो अरे यार मैं दूध लेने जाऊंगा अब तो फिर आप फन में नहीं हो मतलब so <laughs> फिर आप फन खो रहे हो असली फन खो रहे हो आप हाँ मेरे साथ तो एक बहुत अच्छी चीज ये हुई कि क्योंकि मैं बराबर जॉब में रहा और मैं ऐसी जो मैं जॉब करने वालों में से वैसे बंदों में से हूं जिनको घंटे से मतलब नहीं होता सो so, मैं सुबह सात बजे ऑफिस पहुंचता था एक्चुअली पौने सात और एक बजे में मैं फ्री हूं मैं जा सकता हूं घर लेकिन मैं एक बजे के बाद तो असली काम शुरू करता था कंटेंट hmm. हाँ, क्या बनाना है क्या करना है क्या नया चल रहा है हम क्या कर सकते हैं क्या नया बना सकते हैं वो मतलब एक स्टूडियो से बाहर निकला है चार घंटे का शो हो गया खत्म हो गया मॉर्निंग शो हो गया hmm. अब तो कल की तैयारी हो कल की भी हो जाएगी hmm. क्योंकि न्यूज में बहुत कुछ चल रहा है वो मिल जाए मिली जाएगा आपको कॉन्टेंट लेकिन उसके अलावा क्या तो उस उसपे लगे रहते थे और उस उसपे लगे लगे कई बार मैं रात को दस ग्यारह बारह बजे भी गया हूँ yes. और इसकी कोई कंप्लेन मैंने नहीं किया मेरे ऊपर ही आती थी कि तुम रात को ग्यारह बजे तक रुक रहे हो वो कह रहे हैं हाँ तो मैं काम कर रहा था क्या काम कर रहा हाँ ये लो ये देखो ये ये बनाया ये बनाया ये बनाया ये बनाया सो so, ये ये मेरा मेरे पास ऊपर उल्टा था कि तुम इतना देर तक क्यों रुकते हो <laughs> लेकिन अब, अब लेट्स टॉक अबाउट योर कंटेंट एलिट आपकी एक तो पहले आपका कंटेंट थोड़ा लंबा ही होता है यूजुअली है hmm. ना एंड यू बिल्ड ऑन अ स्टोरी एंड देन ऑब्वियसली उसमें फनी कॉन्टेक्स्ट भी होता है बट काफी क्रिएटिव होता है तो हाउ डू यू कंसीडर योरसेल्फ एज अ आई एम नॉट गोना से अ डिफरेंट कंटेंट क्रिएटर बट ऑब्वियसली योर स्टोरी लाइंस आर टोटली डिफरेंट काफी डिफरेंट आपकी स्टोरी लाइन तो हाउ डू यू कसिडर कैन यू एक्सपैंड ऑन इट एंड आल्सो इफ समबडी इज ट्राइंग टू गेट इनटू कंटेंट sort of creating and all. what are your suggestions for मेरा पहला सजेशन तो ये भैया सुनो ऐसा है कि अगर आपको कॉन्टेंट बनाने वाली इस फील्ड में आना है चाहे वो रेडियो वाली फील्ड हो चाहे वो वीडियो वाली फील्ड हो और चाहे वो एक्टिंग वाली फील्ड हो पहले अपने आप से पूछ लो कि आप के अंदर अभी अभी ये कीड़ा जागा है या आप मतलब हाँ ऐसा करने का मन है या फिर आपको लाइफ थोड़ी अलग तरह से दिखती है हुँ. जैसे मुझे विजन्स आते हैं अभी मैं लेटेस्ट बता सकता हूँ बिल्कुल अभी मेरी प्रोफाइल खोलो आर्ज राघव आप देखोगे तो एक कॉन्टेंट है जिसमें एक ऐसी लड़की जिसपे आपको क्रश है आप उसको करोगे कि वो आपकी लाइफ में यू नो वो भी वही फील करने लगे तो अब उसके अराउंड एक स्टोरी बिल्डअप की है मैंने और वो है उससे पहले देखोगे कि लड़की अपने मोबाइल के कवर में बहुत कुछ रखती है yes. वो है फिर उससे पहले भी बहुत कुछ है

उनको बोलते थे कृपा शंकर ताई कोई उनका नाम नहीं जा, जानता था हमें भी आज, आज भी नहीं पता है <laughs> तो वो ना वैसे मोहल्ले का रेडियो थी वो उस वक्त जब हम टेंथ में थे <laughs> तो मैं आया पहला एग्जाम देके और मेरा थोड़ा खराब गया एग्जाम तो मैंने ऐसे बोल दिया मैंने कहा मेरा एग्जाम उतना अच्छा नहीं गया एंड शी वाज लाइक ओके तो ऐसे मैंने बता दिया थोड़ी देर के बाद मुझे चारों तरफ से सुनने को मिल रहा है कि अरे <laughs> के वो मेरे पापा का नाम था शिवल कुमार द्विवेदी <laughs> तो वो मेरे पापा को बोलती थी और वो मेरे पापा को हड़का भी देती थी <laughs> मेरे पापा अच्छा मेरे फादर की स्टोरी भी अलग है मतलब काफी रौला था पापा का क्योंकि मेरे बाबा प्रधान थे <laughs> okay. और मेरे बाबा ऐसे निर्विरोध प्रधान रहे हैं तो आज जैसे कहो कि अच्छा मेरे पास दो घर है, <laughs> तो हैं चार घर तो मेरे बाप ने अपने की वजह से मोहल्ले में जो पापा को डांट देती थी तो उन्होंने बोला कि श्रमण वो बुलाती थी पापा को श्रमण श्रमण के लड़के का पेपर तो खराब हो गया और मैंने दो तीन लोगों से सुना मैं घबरा गया मैंने कहा यार ये तो दिक्कत हो जाएगी तो अगले पेपर से क्योंकि पेपर अच्छा भी गया उन्होंने पूछा जैसे मैं एग्जाम देकर मैं मोहल्ले में घुसता था वही मिलती थी मुझे कैसा अरे एक 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 नंबर 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 फिर नंबर। फिर फिर गया अरे अरे रिजल्ट 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 आया रिजल्ट वाले दिन खोला पेपर में खुलता रिजल्ट खोला सबने देखा किसका कितना है किसका कितना है मेरा देखा तो मैं तीन सब्जेक्ट में फेल था इससे पहले कि मैं कुछ कह पाता कृपा शंकर ताई ने कहा कि कुछ गड़बड़ है ये लड़का टॉप करने वाला था कुछ गड़बड़ है ऐसा हो ही नहीं सकता एंड आई आई वाज लाइक ये हुई ना बात सो <laughs> स्ट्रेटजी so, काम हमें हमें पता था कि वो रेडियो है। हमें बस उन तक <laughs> और जब तक ये बात मेरे पापा तक पहुंची तब तक मैं रिलैक्स था क्योंकि मेरे पापा आर्यट के फैन मतलब आप समझ रहे हो मैथ में फेल होना मतलब नॉट अलाउड इन द हाउस हां बाहर निकलोगे तो वैसा तो इसलिए ये आ, ऐसी बहुत सारी कहानियां तो, जिनसे मैं निकला हूं स्कूल जर्नी कैसी थी मोटा नहीं हूं मैं बट मैं तो बहुत ज्यादा पतला था तो सब बहुत बुली करते थे और क्योंकि मेरे पीछे कोई बहुत बड़ी बैकिंग भी नहीं थी तो वो भी एक होता है उसका असर पड़ता है तो वो जब बुली

तो नागेश चाचा जो सबसे छोटे चाचा थे वो हम दोनों को बहुत चाहते थे तो वो हमारी पढ़ाई पे बहुत ध्यान देते थे तो वो ग्लास होता ना पानी पीते थे और ग्लास का कोना जो नुकीला होता है तेजदार तो ऐसे कहते थे कि अगर ये पहाड़ा अगले दस मिनट में याद नहीं हुआ तो यहीं से फेंक के मारेंगे नाक कट जाएगी तुम्हारी ऐसे <laughs> बिल्कुल देसी स्टाइल में <laughs> तो उससे उस होके निकले हम तो हमारे पास ऑप्शन नहीं था नाक कटने से अच्छा है कि पहाड़ा याद कर लो Right, a brief thanks to our sponsor Smart Trip. Smart Trip is a travel based company in Kashmir providing seamless and attractive packages all across India. They offer exclusive travel packages at extremely affordable rates for both solo and group travelers throughout India. To all you travelers out there, do check them out. Details on the screen. Use this coupon code to receive a 25% discount on your first trip with Smart trip. Code is on the screen. बट सी यही आपका है ना, एक चेहरा छुपा के रखा है, है? <laughs> रखा है एक चेहरा हमने तुम नकाब हटाना चाहते हो hmm. अरे हंसते मुखड़े से धंधा अच्छा चल रहा है फहीम धंधे <laughs> में सेंध लगाना अच्छी बात नहीं <laughs>

मुझे लगता है मैं जब मैं ऐसा बच्चा हूँ जब फर्म था मैं हुँ. कि हाँ मुझे मेरे ऊपर एक चाबू के हाँ, हाँ इतने बजे शो करना है इतने बजे ये करना है इतने बजे तब मैं ज्यादा सही था वैसे रियली really? हाँ और अब मैं जब बिल्कुल आजाद हो गया हूँ तो मैं बिल्कुल ही यार आ, मुझे लगता है हम सभी के साथ होता ही है ये तो जब भी हम थोड़ा फेमस होते हैं और जब भी थोड़ा पैसा आता है दो चीजें हम सबसे पहले खरीदते हैं पहला आलस पैसा आता ही हम आलस खरीदते हैं और दूसरा और दूसरा ईगो वो अंदर छुपा होता है हम बढ़ा लेते हैं मैंने ईगो नहीं बढ़ाया बस आलस थोड़ा खरीद लिया है मैं मैं उसको बेच रहा धीरे-धीरे जिस दिन दिन कम हो जाएगा उस दिन मैं फाड़ दूंगा तो मैं शहर के नाम भी नहीं लूंगा हाँ। बहुत सारा कनेक्ट हो जाएगा सो बेसिकली मैं बहुत अच्छे रिलेशन में था और फिर धीरे धीरे चीजें जब चेंज होती हैं बहुत सारी तो उस वजह से मैं बहुत परेशान हुआ और क्योंकि जब अपनी गलती ना हो तब आदमी ज्यादा परेशान होता है तभी परेशान होता है अपनी गलती होती है तो, तो, तो पता होता है ना कि हाँ बेवकूफ़ी तो हम ने करी है <laughs> लेकिन हाँ तब मैं बहुत परेशान हुआ तो आई वॉज लाइक मैं बाथरूम में चीख चीख के रोता था मैं रियली हाँ मतलब बहुत बहुत और नल तेज चलाता था मैं ताकि आवाज बाहर ना जाए सो मैं रेंट पे रहता था और जो मकान मालिक थे वो बहुत अच्छे थे तो वो

मुझे लगता है वक्त ही है पर एक आ, अच्छी चीज ये हुई कि काफी दिनों बाद जब चीजें हुई मतलब रील पे वायरल होने से पहले की बात है तो अचानक से मुझे एक रात को कॉल आया और कॉल पे पूरी बात बताई मतलब ऐसा बताया गया कि कुछ दोस्त मिले थोड़े मेरे से जूनियर हैं एंड उनमें से दो चार जो भी उनको मिले उनमें से दो चार मेरे से मिले हुए थे मेरे से मिल लेके गए थे फोटो लेके गए थे हाय हेलो करके गए थे सेम uh, सिटी तो उन्होंने सामने वाले को कहा होगा कि शायद तुमने बहुत गलत समझा क्योंकि ये इंसान तो मतलब हाँ हमसे मिला है और ऐसा तो नहीं था नहीं। तो काफी कुछ छुपा क्या गया मैं Uh, राघव भाई देर इज अगेन आई टोल्ड यूज दे से फनीस्ट मैन इन इंडिया राइट यू आर दस्ट मैन इन इंडिया लेकिन आप नल खोल लेते थे और फिर जोर से रोते थे अगली साइड ऑफ यू मतलब लेकिन इसमें भी काफी लेसन है राइट जस्ट टेल मी इन सब चीजों से इंसान काफी कुछ सीखता है अपने आप के बारे में भी और लोगों के बारे में भी तो आपका परसेप्शन एक अच्छे रिलेशनशिप के टूवर्ड क्या है यार लोग बहुत सारी बातें करते हैं लॉन्ग डिस्टेंस नहीं चलता ऐसा नहीं चलता वैसा नहीं चलता बोल छेट आप कहीं कितनी दूर रहते हो कितने पास रहते हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आई कैन बैट ऑन इट रियली आई कैन बैट ऑन इट अगर आप एक दूसरे को थोड़ा भी समझते हो एक दूसरे को थोड़ा स्पेस देते हो और एक दूसरे की चीजों में थोड़ा इंटरेस्ट लेते हो ट्रस्ट अपने आप बिल्डअप होता है और जब ट्रस्ट बिल्डअप हो जाता है ना फिर कोई चीज नहीं ये सब या तो प्यार है या नहीं है या तो प्यार वो आया और किसी वजह से आया तो हो सकता है कि हाँ पीरियड होगा या फिर मतलब आप या तो प्यार होगा मतलब प्यार है फिर चाहे कोई फर्क नहीं पड़ता चला भी जाएगा तो भी प्यार है मतलब वो भी होता है लोगों के साथ बट मुझे लगता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप और रिलेशनशिप पे मेरी आ, या परसेप्शन कह लो कह लो मेरा यही मानना है अभी जैसे थोड़े दिन पहले हुआ कि ओके सो okay, so, मुझे एक आ, मेरे रिश्ते के लिए कॉल आया ठीक है और कॉल करने वाले अंकल जी जो हैं वो खुद लड़की के फादर ठीक है और मैं अलग मीटिंग से निकल के आया था मेरा दिमाग वैसे ही थोड़ा और दो दिन पहले एक और कॉल आ चुका था तो वॉज लाइक like, क्योंकि आ, आपके फादर नहीं है और आपकी सिस्टर से हमारी बात नहीं हो पा रही है तो आपसे पूछ रहे थे कि कुंडली वगैरह तो मैंने कहा अंकल जी मैं बड़े प्यार से बात किया था, और उन्होंने कि, आ, हम शादी के लिए देख रहे हैं अभी हमने लड़की की जॉब छोड़वा दी है शादी के बाद आपको करवानी हो तो आप बता देना तो मैंने भी उनको कहा कि अभी हमने जॉब छोड़ दी है शादी के बाद आपको करवानी हो तो आप बता देना हसने लगे तो मैंने और एक बात बोल दी खुद के कंधों पे सब उठा के चल देते हैं ये क्या क्या मतलब क्या हमने ठेका ले रखा है क्या आओ ना बराबरी चाहिए ना साथ में आओ ना साथ में करो और या फिर अपनी चीजों में क्लियर रहो कि हाँ मुझे उससे भी दिक्कत नहीं है अगर कोई कहता है कि नहीं मुझे नहीं करनी जॉब मुझे तो ये काम करना है और ये सब हो ही रहा था इतनी देर में मैंने अपनी बात बोल दी मैंने कहा मैं खुद ही थोड़ा अभी एक एक पायदान नीचे हूँ क्योंकि मेरे जिया जी तो मतलब प्रॉपर जॉब में आर्मी में है वो और मेरी सिस्टर अभी कुछ नहीं कर रही है तो मुझे वही देख के थोड़ा खराब लगता है कि यार अगला आदमी काम कर रहा है वो तो मतलब आप फिगर आउट कर रही है बट एग्जैक्टली कुछ नहीं कर रही है तो एक तो वो पहले जब सेटल हो जाए तो मैं थोड़ा चैन की सांस लूंगा मैं उनसे भी कह पाऊंगा हाँ आप बताओ आपको क्या करना है

एक बात बताएं बात तो सही कह रहे हो <laughs> <laughs> तो वो उसमें अट्रैक्टिव अबाउट यू यू बीइंग वेरी रियल नो मैटर हाउ मच वी सेट एनीवेयर यू डोंट लूज योर सेंस यू आर ऑलवेज इन योर ओन जोन यू आर योर ओन मैन एंड दैट्स अ फैक्ट लाइक लाइक द वे यूर आई टोल यू ऑलरेडी यू लाइक अ किंग पेन आई सेट इन योर ओन वे यू डू योर ओन थिंग सो रियली रियली ग्लैल योर हेयर आई मीन दिस इज अगैन डूइंग अ पॉडकास्ट विद

ओवर थिंकिंग अगर सीखी है तो उसको अनलर्न करूंगा और उसी में मुझे लगता है कि जब मैं कंटेंट बनाता हूं तो उसको लेके भी मैं काफी सोचता हूं मुझे लगता है मैं जितना सिंपल रहूंगा उतना ही अच्छा जाता है फिर मेरा हाँ मैं ओवर so थिंकिंग तो और ओवर uh, क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा जितनी चीजें सिंपल होती है ना उतनी अच्छी होती हैं yeah. तो बहुत ज्यादा वो उससे थोड़ा बचना चाहूंगा so हाँ मुझे लगता है वो

बहुत पसंद है वो शेर एवरीबडी डू हाँ। बहुत पसंद है मैंने बस उसको थोड़ा ट्विक किया अपने ऊपर कहा कर सकते हैं उतना बट हाँ एक वो शेर है कि खामोश चेहरे पर भी हजारों पहरे होते हैं हस्ती आंखों में भी जख्म गहरे होते हैं तो एक बात है फही ऐसे कहते हैं कि दिल तकलीफ में है और तकलीफ देने वाले दिल में है देखो मैं तो जानता हूँ कि आ, मतलब मैं उतनी शायरी तो नहीं पढ़ता हूँ पढ़ा हूँ पर मैं खुद नहीं कहता हूँ लेकिन तुम तो माहिर हो इसमें माहिर नहीं अरे वेल well, अल हो जाए कुछ हाँ जब गिला शिकवा अपनों से हो तो खामोशी ही सही अब हर बात पे जंग के जरूरी तो नहीं आ, ये गम मिला तो रो न सके खुशी मिली तो हंस न सके मेरी जिंदगी भी क्या जिंदगी है जो चाह उसे पा ना सके but brother really thank you for being here i mean it's an honor thank you for giving your time again abai kafi chalaga and again i told you it's i'm trying to make this podcast more diverse and people like you coming here and giving us a chance to do that is such an honor so thank you for being here thank you so much man. and we we have for a storyteller like you okay uh, we have a little bit of a gift for you there's a book inside and we are all about stories right oh, yeah. so i would like to thank our sponsor smart trip for organizing our trips for all over our podcasters and all the things that you guys do for us to organize everything is really great and i'm really grateful for you all raghavay there's a book inside i hope you read it someday and you like it yeah bilkul thank please, you so much please read it smart trip meri taraf se bhi thank you aapko ye bada achhi baat hai ki aap support kar rahe hain and then बहुत सारे पॉडकास्ट बहुत सारे अलग अलग लोग के साथ बात कर पा रहे हैं लोगों से मिलना चाहता हूं। मेरे गानों पे इतना प्यार दिया है पे, मेरे, अंदाज पे, मेरे आवाज पे तो अब मिल बैठ के बातें होंगी थोड़े गाने होंगे और हां फिर तो मतलब मौज ही हो मौज होगी क्या दिक्कत है फिर तो?